हेलो फ्रेंड्स, आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो कार्बोहाइड्रेट्स की सीक्वेंस को हम लोग लेके चल रहे हैं। आज जो टॉपिक है हमारा वो है ऑलिगोसैकेराइड, और उसके अंदर हम लोगों ने जो पढ़ना है बेसिकली जो ज्यादातर पढ़ाए जाते हैं वो है डाइसैकेराइड। तो ऑलिगोसैकेराइड क्या है, ये कार्बोहाइड्रेट्स की जब हमने क्लासिफिकेशन की थी तो ये सेकेंड क्लास थी जिसे हमने ऑलिगोसैकेराइड का नाम पढ़ा था, और उसके अंदर डिफरेंट टाइप्स के मोनोमर जुड़ते हैं तो ऑलिगोसैकेराइड बनता है। आगे इसकी टाइप्स आ जाती हैं कि अगर दो मोनोमर जुड़े हैं या हम लोग कह सकते हैं कि दो मोनोसैकेराइड जुड़े हैं तो हम उसे डाइसैकेराइड कहते हैं, तीन मोनोसैकेराइड जुड़ के ऑलिगोसैकेराइड बना रहा है तो हम उसे ट्राइसैकेराइड का नाम देते हैं, इसी तरह टेट्रासैकेराइड और पेंटासैकेराइड और सो ऑन ये चलते रहते हैं। तो सबसे पहले ऑलिगोसैकेराइड की तरफ आते हैं कि ऑलिगोसैकेराइड क्या है, ये कार्बोहाइड्रेट्स की टाइप है, ठीक है जी, कार्बोहाइड्रेट्स टाइप विच इज फॉर्म बाय कार्बोहाइड्रेट्स की एक टाइप है जो बनती कैसे भी फॉर्म बाय जॉइनिंग ऑफ फ्यू मोनोसैकेराइड बाय ग्लाइको सिडिक लिंकेज। तो ये है जी ऑलिगोसैकेराइड की सिंपल सी डेफिनेशन की ये है क्या, ऑलिगोसैकेराइड भी कार्बोहाइड्रेट्स की टाइप है जो कैसे बनते हैं जब बहुत से मोनोसैकेराइड जुड़ते हैं। किस तरह जुड़ते हैं जी, एक टिपिकल बॉन्ड है, डिहाइड्रेशन का प्रोसेस है, ठीक है जी, या कंडेंसेशन का प्रोसेस भी हम लोग कहते हैं जिसे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं। तो बेसिकली जब दो या दो से ज्यादा मोनोसैकेराइड आपस में जुड़ते हैं किस तरह, डिहाइड्रेशन का प्रोसेस, ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या होता है जी वाटर रिमूव हो जाता है, इसे कंडेंसेशन प्रोसेस भी कहते हैं कि पानी कंडेंस होता है। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, यहां पे आप लोग इक्वेशन में देख सकते हैं कि दोनों क्या है मोनोसैकेराइड है, तो क्या बनता है जी, एक ऑलिगोसैकेराइड बनता है और इस वाटर को हम लोग यहां की बजाय यहां पे लिख सकते हैं। तो एक ऐसा रिएक्शन जिसमें क्या हुआ जी, दो मोनोसैकेराइड मिले, वाटर की क्या हुई है रिमूविंग हुई है और एक डाइसैकेराइड बना, क्योंकि डाइसैकेराइड में किसकी टाइप आती है ऑलिगोसैकेराइड की। तो बेसिकली जितने भी ऑलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड हम लोगों ने पढ़ने हैं वो इस तरह दो या दो से ज्यादा मोनोसैकेराइड या सैकड़ों मोनोसैकेराइड के आपस में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज की वजह से बनते हैं जिसमें वाटर रिमूव होता है। ये लिंकेज डेवलप कैसे होती है हम एक एक करके डाइसैकेराइड के टाइप में पढ़ते हैं। तो अब आती है जी ऑलिगोसैकेराइड की इंपॉर्टेंस की तरफ चलते हैं कि ऑलिगोसैकेराइड इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। तो इंपॉर्टेंस हम लोग देखते हैं, इंपॉर्टेंस की बात करें तो जो ऑलिगोसैकेराइड होते हैं, ठीक है जी, ये डिफरेंट नंबर वन ये स्टोरेज कंपाउंड हो सकते हैं, स्टोरेज का काम करते हैं, जैसा कि सक्रोज, ठीक है जी, सक्रोज क्या जी स्टोरेज का काम करता है। नंबर टू ये क्या कहते हैं जी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या जिसे हम लोग सेल मेम्ब्रेन का नाम भी देते हैं। तो उसके अंदर हमने पढ़ा कि कुछ ग्लाइकोकैलिक्स बनता है, स्ट्रक्चर है जो कि सेल टू सेल रिकॉग्नाइजेशन के लिए चाहिए जिसे हम लोग ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं। इसके अलावा हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि जो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसमें प्रोटीन और लिपिड के साथ थोड़ी सी अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं। तो वो कौन से होते हैं, बेसिकली वो ऑलिगोसैकेराइड होते हैं। जो ऑलिगोसैकेराइड है ये क्या करते हैं, ये हमें सेल मेम्ब्रेन में भी मिलते हैं। उसके बाद बहुत से ऑलिगोसैकेराइड क्या करते हैं, कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल बनाने में भी काम आते हैं, और इस फॉर्म में हम लोग इसे ग्लाइकेन का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, ठीक है जी। जब ये डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के साथ या डिफरेंट ऑपोजिट नेचर के कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के साथ जुड़ता है तो वहां पर जो ऑलिगोसैकेराइड होते हैं उसके लिए लफ्ज ग्लाइकेन यूज किया जाता है। ये डिफरेंट बॉडी में डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट जगह पर यूज होते हैं। इसी तरह जो ऑलिगोसैकेराइड है इनकी अगर हम लोग प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो जो ज्यादातर डाइसैकेराइड की पढ़ाई होती है वही है कि क्या ये स्वीट इन टेस्ट होते हैं लेकिन मोनोसैकेराइड से लेस स्वीट होते हैं। तो हम लोग यहां पे लिख के देख लेते हैं प्रॉपर्टीज क्या है ऑलिगोसैकेराइड की, ये लेस स्वीट इन टेस्ट होते हैं,
देन हाइड्रोलाइज्ड किया जा सकता है, ठीक है जी। इनकी हम लोग क्या कर सकते हैं, हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस क्या है, जब इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को जो दो मोनोसैकेराइड के जुड़ने से मिला है, वाटर के जरिए ब्रेक किया जाता है तो वापस से ये क्या कहता है, मोनोसैकेराइड देता है। तो हाइड्रोलाइज करने पे ये क्या करता है जी, ग्लूकोज या इसके साथ साथ डिफरेंट मोनोसैकेराइड देता है, बेसिकली ज्यादातर हेक्सोज ही मिलके ये स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं। उसके बाद ये रिड्यूसिंग भी हो सकता है और ये नॉन रिड्यूसिंग भी हो सकते हैं, ठीक है जी। रिड्यूसिंग शुगर्स भी हो सकते हैं ओलिगोसैकेराइड में और नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स भी हो सकते हैं। कैसे होते हैं रिड्यूसिंग शुगर, बेसिकली ये जो प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ते हैं ओलिगोसैकेराइड के लिए भी यही प्रॉपर्टीज यूज हो रही होती है और यही प्रॉपर्टीज डाइसैकेराइड के लिए भी यूज होती है। तो जब हम लोग डाइसैकेराइड पढ़ेंगे तो मैं सिर्फ उसमें प्रॉपर्टी का जिक्र करूंगा, लिख हमने यहां पे दी है। इसके साथ साथ हम लोग इनके डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस के जरिए या डिटेक्शन प्रैक्टिकल लाइफ में बायोकेमिस्ट्री की अगर हम लोग बात करते हैं तो वहां पे प्रैक्टिकल में ये डिफरेंट रिएजेंट्स के साथ रिएक्शन करते हैं जिससे हमें पता चलता है ये डाइसैकेराइड है या ये मोनोसैकेराइड है। तो इस तरह का तरीके ओलिगोसैकेराइड के जनरल सा हम लोग कह सकते हैं इंट्रोडक्शन है। अब जो हमारा मेन टॉपिक है डाइसैकेराइड, हम उसकी तरफ चलते हैं कि डाइसैकेराइड है क्या, कैसे बनते हैं और जहां पे जो हमने ग्लाइकोसिडिक लिंकेज का नाम लिया है वो कैसे डिवेलप होती है। तो आप बेसिकली बात करते हैं डाइसैकेराइड की, तो डाइसैकेराइड जैसे कि हमने इक्वेशन में बात की थी, दो मोनोसैकेराइड जब जुड़ते हैं किस जरिए एक कोवेलेंट बॉन्ड बनता है जिसमें वाटर की रिमूवल होती है और कार्बन इंटू ऑक्सीजन, ठीक है जी, कार्बन इंटू ऑक्सीजन बॉन्ड बनता है, इसे हम लोग ग्लाइकोसिडिक लिंकेज या ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का नाम दे रहे हैं। तो डाइसैकेराइड का जी नाम से जा रहा है डाइसैकेराइड दो, तो इट इज अ टाइप ऑफ ओलिगोसैकेराइड विच इज फॉर्म बाय जॉइनिंग टू मोनोसैकेराइड विद द हेल्प ऑफ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो क्या होता है जी, टू मोनोसैकेराइड जॉइन बाय ग्लाइकोसिडिक लिंकेज एंड डाइसैकेराइड प्रोड्यूस। डाइसैकेराइड क्या थी, दो मोनोसैकेराइड के जुड़ने से, जब वो दोनों मोनोसैकेराइड किस तरह जुड़ते हैं, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के जरिए जुड़ते हैं तो डाइसैकेराइड बनता है। अब इसमें डिफरेंट टाइप्स के डाइसैकेराइड है, बेसिकली 16 टाइप के हमें डाइसैकेराइड पता है। इंपॉर्टेंट है जो ज्यादातर हमें पढ़ाए जाते हैं वो बेसिकली तीन है, एक को हम लोग सक्रोज कहते हैं, दूसरे को माल्टोस का नाम दिया जाता है और जो लास्ट वन है उसे हम लोग लैक्टोज कहते हैं। इसके अलावा ट्रीहेलोस और रेफिनोज भी हैं लेकिन वो डाइसैकेराइड में नहीं आते, वो डिफरेंट टाइप में चले जाते हैं। तो हम लोग बात करते हैं डाइसैकेराइड में सबसे पहले आता है सक्रोज, ठीक है जी, देन जो इसके बाद आता है माल्टोस और उसके बाद लैक्टोस। ये बेसिकली तीन मोनोसैकेराइड है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स अब हम बात कर रहे हैं डाइसैकेराइड की, तो डाइसैकेराइड क्या है, जैसा कि डेफिनेशन यहां मैंने पहले ही लिखी है कि इट इज अ टाइप ऑफ ओलिगोसैकेराइड, ये ओलिगोसैकेराइड की एक टाइप है। कैसे बनते हैं, जब दो मोनोसैकेराइड आपस में जुड़ते हैं, किस तरह जुड़ते हैं जी, सेम वही लिंकेज जो हमने पहले बात की है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो डाइसैकेराइड क्या, टाइप ऑफ ओलिगोसैकेराइड which is formed by the combination, which is formed by the joining, which is formed by the bond making of two monosaccharides
through a covalent bond called glycosidic linkage. तो ये डाइसैकेराइड क्या है? ओलिगोसैकेराइड की टाइप है. दो मोनोसैकेराइड जब ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के जरिए जुड़ते हैं तो ये तब बनती है. अब बेसिकली अभी तक हमें 16 टाइप के डाइसैकेराइड पता है, ठीक है जी. 16 टाइप ऑफ डाइसैकेराइड आर स्टिल नोन, बट ओनली 3 आर मोस्ट कॉमन और मोस्टली इन ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट. 16 टाइप के क्या थी हमें डाइसैकेराइड पता है जो कि मौजूद है, लेकिन उनमें जो 3 है वो मोस्ट कॉमन है और ज्यादातर लिविंग ऑर्गेनिज्म में वही 3 पाए जाते हैं. कौन कौन से जी? सक्रोस, माल्टोस और लैक्टोस. आज हमने इन्हीं की बॉन्डिंग पढ़नी है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इनमें कैसे बनता है, किस तरह ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स या फ्रक्टोज के मॉलिक्यूल्स की अटैचमेंट होती है और कौन सा बॉन्ड बनता है, और जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है इसमें किस तरह की बेसिकली आप कह सकते हैं ओरिएंटेशन है, अल्फा है, बीटा है, अल्फा बीटा है या दोनों है. और अगर हम लोग बेसिकली जब रिएक्शंस की बात कर रहे हैं तो रिंग फॉर्म में है, तो रिंग फॉर्म में कौन सा कार्बन दूसरे मॉलिक्यूल या दूसरे मोनोसैकेराइड के किस कार्बन से जुड़ता है, तो अब हम स्टडी करते हैं. सबसे पहले जो है सक्रोज, इसे हम लोग डिफरेंट नाम भी देते हैं, इसे इन वर्ड शुगर भी कहते हैं. इसका जो दूसरा नाम है वो केन शुगर है, क्योंकि हमें पता है ये शुगर केन से लिया जाता है, गन्ने से मिलती है. इसी तरह इसे हम लोग टेबल शुगर भी कहते हैं, क्योंकि आम घर में जो इस्तेमाल होने वाली जिसे हम लोग चीनी का नाम देते हैं वो भी कहती सक्रोज होती है. अब बेसिकली ये सक्रोज है ये बनती कैसी है? ये तब बनती है जब एक अल्फा ग्लूकोस और फ्रक्टोज, बेसिकली अल्फा फ्रक्टोज ही ये भी, इनके दरमियान रिएक्शन होता है. कैसे भी ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन वो अटैक करता है फ्रक्टोज के सेकंड कार्बन के ऊपर, ठीक है. यहां पर फ्रक्टोज के लिए हम यहां से गिनती स्टार्ट करते हैं 1, 2, 3, 4, 5 और 6. जैसे कि आप जानते हैं फ्रक्टोज भी क्या है, हेक्सो शुगर है, लेकिन ये कीटोज होता है, इसमें कीटोन ग्रुप होता है, ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप होता है. और ये जो ग्रुप है ग्लूकोज का, ठीक है जी, इसे हम लोग हेमी एसिटल का नाम भी देते हैं, इसी को हम लोग एनोमेरिक कार्बन का नाम देते हैं. जो मेरी पिछली वीडियो मोनोसैकेराइड की अगर आपने देखी है तो उसमें आपको पता होगा कि हम इसे एनोमेरिक कार्बन कह रहे थे. अब ऐसे प्रोसेस में क्या होता है जी, जो एनोमेरिक कार्बन है उसका OH और जो सेकंड फ्रक्टोज के सेकंड कार्बन पे OH है, इन दोनों में रिएक्शन होता है, जिसमें OH इन दोनों के रिएक्शन से क्या होता है, वाटर रिमूव होता है. अब हमें पता है वाटर के अंदर 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन होता है, कि हम ऐसे बात कर सकते हैं कि वाटर के अंदर HOH होते हैं. तो इसमें जो OH होगा ये नॉन एनोमेरिक कार्बन से रिमूव होगा और जो हाइड्रोजन होगा वो कहां से रिमूव होगा, एनोमेरिक कार्बन से. तो रिएक्शन में क्या होगा जी, ये पूरा OH ग्रुप और यहां से सिर्फ हाइड्रोजन, इसकी रिमूवल होगी एज द फॉर्म ऑफ वाटर. तो यहां से क्या होगा, वाटर रिमूव हो चुका है, यानी कि ये ग्रुप रिमूव हो चुके. तो पीछे क्या बच गया जी, इस कार्बन का एक बॉन्ड खा लिया और इस ऑक्सीजन का, ये क्या करते हैं जी, आपस में बॉन्ड बना लेते हैं. किस तरह, अब हम इसे देखते हैं. ये बेसिकली ये बॉन्ड बनेगा, तो ये बॉन्ड जो कार्बन ऑक्सीजन और दूसरे ग्रुप के कार्बन के दरमियान बन रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड है. इस बॉन्ड को हम लोग ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड या ग्लाइकोसिडिक लिंकेज भी कहते हैं. अगर एक दो है तो बॉन्ड कह रहे हैं, अगर इस तरह ही बॉन्ड का सिलसिला चलता जा रहा है तो हम इसे लिंकेज का नाम दे रहे हैं. अब हम सक्रोज के नाम की तरफ आते हैं, तो हम लोग इसे सक्रोज कहते हैं, इसमें एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज जुड़ता है. अगर बॉन्ड की नेचर की बात की जाए तो अल्फा ग्लूकोज है, और अगर आपको याद हो तो OH नीचे था, और ऐसे रिंग फॉर्म को जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप नीचे हो हम लोग अल्फा ग्लूकोज का नाम ले रहे थे या अल्फा रिंग नाम दे रहे थे. तो अब इस बॉन्ड की जो नेचर होगी वो क्या होगा, अल्फा 1-2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज या ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है जी. इसका जो दूसरा नाम हम लोग लिख सकते हैं वो क्या है, पहले ग्लूकोज है तो ग्लू / अल्फा 1-2 और फ्रक्टोज है तो FRU. तो इस तरह की एक सक्रोस जो कि डाइसैकेराइड वो बनता है. अब माल्टोस की तरफ चलते हैं, तो हम इसे माल्ट शुगर का नाम भी देते हैं,
ठीक है। और ये कब बनती है, जब दोनों क्या हो, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल ही रिएक्शन में हिस्सा लें, तो तब माल्टोज क्या जी, इट इज ऑल्सो नोन एज माल्ट शुगर, इसे माल्ट शुगर का नाम भी दिया जाता है। और ये कब बनती है, जब रिएक्शन में दोनों क्या हो, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स हों। और कौन से हों, दोनों ग्लूकोज के मॉलिक्यूल अल्फा हैं। आप OH की पोजीशन चेक कर सकते हैं कि अगर दो सिक्स कार्बन और फर्स्ट कार्बन की OH सेम पोजीशन पे है तो आप उसे बीटा कहते हो, अगर ऑपोजिट पे आ जाए तो आप उसे अल्फा का नाम देते हैं। तो इसमें क्या होगा जी, इस कार्बन का सॉरी इस ग्लूकोज का एनोमेरिक कार्बन जो कि कार्बन नंबर 1 है, और सेकंड ग्लूकोज का कार्बन नंबर 4, उसके ऊपर जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है इनके दरमियान रिएक्शन होता है। सेम बात वही है कि एनोमेरिक कार्बन से हमेशा हाइड्रोजन जाएगा और जो दूसरा होगा एनोमेरिक कार्बन के अलावा, जैसे यहां पर कार्बन नंबर 4 है, वहां से क्या होगा एल्कोहलिक ग्रुप यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप आएगा। तो रिएक्शन के समझाने के लिए हम लोग इसे कुछ इस तरह लिख लेते हैं। हम तो इस रिएक्शन में क्या होगा जी, एनोमेरिक कार्बन से हाइड्रोजन और दूसरे कार्बन से हाइड्रोक्सिल ग्रुप किस फॉर्म में रिलीज हो जाते हैं, वाटर की फॉर्म में। लिहाजा पीछे क्या बचता है, ये ऑक्सीजन जिसका बॉन्ड बनेगा इधर इस तरह, लेकिन हम इसे सीधा करके लिखते हैं। तो ये भी क्या कि ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बना है किसमें, दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के दरमियान, दोनों क्या है अल्फा है, और ऐसा मॉलिक्यूल या ऐसा डाइसैकेराइड जो दो सिमिलर अल्फा ग्लूकोज के रिएक्शन से मिले जिसमें ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बने, हम उसे माल्टोज शुगर का नाम देते हैं। अब इसका नाम क्या होगा जी, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, और दूसरा नाम हमें पता है ग्लू क्योंकि ग्लूकोज है, अल्फा 1,4 ग्लू, कि दोनों के दोनों क्या जी ग्लूकोज के मॉलिक्यूल ही रिएक्शन कर रहे हैं। अब आते हैं लैक्टोज की तरफ, तो लैक्टोज क्या जी, हम लोग इसे मिल्क शुगर का नाम भी देते हैं, क्यों जी, क्योंकि मिल्क दूध के अंदर जो मिठास होती है वो लैक्टोज होता है। और आप लोगों ने ये भी पढ़ा होगा कि जो दूध खराब हो जाता है या जिस दूध को हम फर्मेंटेशन से योगर्ट यानी दही में बदलते हैं उसके अंदर क्या होता है, लैक्टिक एसिड होता है। तो बेसिकली वो क्या होता है, ये लैक्टोज ही होता है जिसको लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट किया जाता है। कैसे होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के रिएक्शन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिएक्शन के जरिए क्या होता है जी, फर्मेंटेशन के दौरान लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर दिया जाता है जो खराब दूध या दही में हमें मिलता है। अब ये बेसिकली कैसे बनता है, इसमें बाकी सब में हमें पता है कि अल्फा लिंकेज हो रही होती है लेकिन यहां पे बीटा लिंकेज आती है। कैसे आती है जी, जब एक ग्लैक्टोज, ठीक है जी, ग्लैक्टोज क्या जी, एक मोनोमर है, हमने पढ़ लिया किस तरह का होता है, और इसका रिएक्शन किसके साथ होता है, ग्लूकोज के साथ, लेकिन दोनों क्या है बीटा, दोनों के OH सेम पोजीशन में है, इनके दरमियान जब रिएक्शन होता है तो बेसिकली रिएक्शन कुछ इस तरह होगा। तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप, फिर वही बात है कि ये एनोमेरिक कार्बन है, तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप नॉन एनोमेरिक कार्बन यानी कि ग्लूकोज के कार्बन नंबर 4 से, और जो हाइड्रोजन है वो गैलेक्टोज के कार्बन नंबर 1 से। ये रिएक्शन ऑपोजिट भी हो सकता है, ये ग्लूकोज यहां पे और गैलेक्टोज वहां पे जा सकता है। अब कैसे रिएक्शन होगा जी, हम लोग इसे देखते हैं कि कुछ इस फॉर्म में। अब क्या होगा जी, यहां से इसे हम लोग इस तरह लिख लेते हैं, हाइड्रोजन सॉरी यहां से हाइड्रोजन और ये OH ग्रुप, इनका रिएक्शन होता है और वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव होता है, और यहां से ऑक्सीजन में रिएक्शन जो बॉन्ड बनेगा किस तरह, हम कुछ इसे लिख के देखते हैं। कुछ ये बॉन्ड बनता है, इसे हम लोग क्योंकि बीटा रिएक्शन है, बीटा बॉन्ड बना है, बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनी है, तो हम इसे जिसमें ग्लैक्टोज और ग्लूकोज दोनों बीटा है, रिएक्शन में भी क्या हो रहा है, एनोमेरिक कार्बन से हाइड्रोजन और नॉन एनोमेरिक कार्बन से ऑक्सीजन जा रहा है, और नॉर्मल लिंकेज से जिसमें दोनों तरफ दफा लिंकेज नीचे की तरफ बनी है, यहां भी क्या ऊपर की तरफ बनी है, ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग लैक्टोज का नाम देते हैं। और जब हम लोग इसे नाम देते हैं या इसकी लिंकेज नाम देखते हैं तो क्या होगा, बीटा 1,4 ग्लाइको
glycosidic bond. इसका दूसरा नाम क्या जी? ग्लैक बीटा 1,4 ग्लू. ठीक है जी. तो इस तरह क्या होता है जी, डाइसैकेराइड बनते हैं जिसमें बॉन्ड की या रिएक्शन के दौरान जो बॉन्ड बनाने के लिए ग्रुप्स रिएक्शन करें उनकी ओरिएंटेशन अल्फा बीटा और नंबरिंग के लिहाज से क्या होता है, डिफरेंट मोनोसैकेराइड के जुड़ने से डिफरेंट कंपाउंड बनते हैं. जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, हमें डाइसैकेराइड की 16 टाइप पता है, लेकिन जो मोस्ट कॉमन होती है वो ये तीन है, तो इसलिए हमने इस वीडियो में इसकी बात की. इसके अलावा यहां मैं बताता चलूं कि अल्फा और अल्फा ग्लूकोज के मिलने से भी हमें पता है माल्टोज बनता है. ठीक है जी. लेकिन अगर बीटा बीटा ग्लूकोज पर बीटा और बीटा ग्लूकोज का रिएक्शन हो जाए, यहाँ पे तो अल्फा अल्फा का हो रहा है, तो तब ट्रीहलोज का कंपाउंड बनता है. और इसी तरह एक ट्राइसैकेराइड की बात करते हैं तो वो क्या जी, रूफेनॉल से हम लोग कहते हैं, ये रूफेनॉल ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज प्लस फ्रुक्टोज इनके मिलने से बनता है. कैसे मिलके बनते हैं, सेम यही रिएक्शन है ग्लाइकोसिडिक लिंक के. तो रूफेनॉल क्या थी, ये ट्राइसैकेराइड है, क्यों, तीन मोनोसैकेराइड के जुड़ने से मिला है. और ये ट्राइसैकेराइड ग्लाइकोसिडिक लिंक के सेम वही प्रोसेस से बनती है. और किसमें पाया जाता है, बीट जिसे हम लोग चुकुंदर का नाम देते, उसके अंदर जो पाया जाने वाला ट्राइसैकेराइड है वो रूफेनॉल. तो ये था.